नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में रोहतक जिला के कस्बा सांबला की पुरानी अनाज मंडी में हुई। बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, हरियाणा अपराध का अड्डा बन चुका है। सांबला में सीताराम हलवाई की दुकान पर अपराधी की ओर से फायरिंग करके 1 करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने, गोहाना के हलवाई से 2 करोड़ की फिरौती मांगने, हिसार में 20 लाख और 50 लाख की फिरौती मांगने एवं रोहतक, झज्जर, पानीपत, गुड़गांव, सफीदो, सोनीपत, पलवल और भिवानी आदि जिलों में हत्या एवं लूटपाट की वारदात होने, प्रदेश में हर रोज लूटपाट, फिरौती, हत्या और चोरियों की वारदात होने से व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता में भय का माहौल है। सरकार को अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सभी अपराधियों के बायोडाटा पुलिस चौकी थानों में मौजूद है। सरकार को अपराधी अपराध करे उससे पहले ही उनको पकड़ कर जेलों में भेजना चाहिए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। गर्ग साहब, सांपला पहुंचे हो, व्यापारी नेताओं की मीटिंग चल रही है, किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ? आपके सामने ही है जहां स्थिति, एक तो संगठन, व्यापारी संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से आज मीटिंग रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो व्यापारियों की समस्या है वो समस्या सरकार तक पहुंचाकर उस समस्या का समाधान कराया जा सके। जहां तक कि आपने देखा पिछले दिनों सीताराम हलवाई जी की दुकान पर 1 करोड़ की अपराधियों द्वारा फरौती मांगी गई, फरौती के साथ साथ जान से मारी धमकी दी गई, गुवाहाना के अंदर हलवाई के 2 करोड़ की मातू राम जी की फरौती मांगी गई, जगह जहां फरौती मांगी गई। यहाँ तक कि आपने देखा पानीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, झज्जर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, हिसार के अंदर, जगह जगह लूटपाट हुई, हत्या हुई, फरौती की वारदात, अपहरण की वारदात, चोरियों की वारदात तो लगातार हो रही है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से, सरकार से एक ही मांग है, भाई अपराधियों के चीरा लगाने की जरूरत है। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। उसका समय से पहले चीरा अगर लग जाएगा तो अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा अपराधी है जिसका बायोडाटा पुलिस चौकी थाने में ना हो? हरेक पुलिस चौकी थाने में हरेक का अपराधी का बायोडाटा है। तो मेरी सरकार से एक अपील है, जो अपराधी है पहले ही उसको पकड़ के जेलों में ठोके, ताकि अपराधी अपराध ना कर सके और अपराधी को पक्का चीरा भी लगाए, ताकि वो, मैं एक बात तो कहता हूँ, पक्का चीरा मतलब आप समझ जाते हो मेरे इशारा का, पक्का चीरा 5-10 अपराधी के लग गया ना, हरियाणा में अपराधी नहीं पावा, ना अपराधी पावेगा ना अपराध होगा, अमन शांति से व्यापारी अपना काम करेगा। हम तो यही चाहते हैं व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करना चाहिए। और हरे प्रकार का हम टैक्स देते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, रेट कर है, मार्केट फीस है, लाइसेंस फीस है, हर प्रकार का टैक्स सरकार को जब करोड़ों अरबों रुपए देते हैं तो व्यापारी की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे इसके लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। यहाँ तक कि एक बात बताता हूँ, जहाँ तक कि जितने बाजार है वहाँ पर PCR लगनी चाहिए, मोटरसाइकिल राइडर लगनी चाहिए। लाइन के अंदर पुलिस क्या काम करती है? पुलिस को सिविल वर्दी के अंदर राउंड लगाए ताकि उनकी नजर रहे कोई अपराधी घूम तो नहीं रहा, कोई अपराध करने की हिम्मत तो नहीं कर रहा। और सरकार को जो अरबों में टैक्स आता है बाजारों के अंदर, अपने खर्चे पर CCTV कैमरे जरूर लगाने चाहिए ताकि कोई भी अपराधी के ऊपर एक मतलब निशानदेही होती ना, जैसे मतलब उसका CCTV कैमरे लगे, उसका रिकॉर्ड होगा, उसकी जो TV लगा होगा, पुलिस थाने में लगा होगा, वो अपराधी घूमता होगा। क्या होता है, ऐसी नहीं होती कोई अपराध क्या एकदम से अपराधी आ गया, पहले वो एक बार सर्वे करते हैं, दौरा करते हैं, वहाँ क्या जुगाड़ है, कैसे होगा, कहाँ से हम करेंगे, कैसे भागेंगे, सारी सी एक रैकिंग सी करते हैं। तो थोड़ा सा CCTV कैमरे लगे होंगे तो जो रैकिंग करने वाले हैं, जो अपराधी टाइप के आदमी घूमते होंगे तो पुलिस उसको पहचान लेगी और वो कोई वारदात करने से पहले ही वो काबू आ जाएंगे। ये CCTV कैमरे जरूरी है। आपने कहा व्यापारी संगठन बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए, तो व्यापारियों के लिए किन मुद्दों पे काम करेंगे और क्या सहायता करेंगे? व्यापारी कई मुद्दे होते हैं, एक तो व्यापारी के मेन मुद्दे क्या है,
सबसे मोटा मुद्दा ये होता है भाई प्रशासन से तालमेल रखें, प्रशासन से तालमेल करके जो लोकल समस्या है वो दूर करवानी। सफाई व्यवस्था है, सिक्योरिटी व्यवस्था है, या और व्यापारी की दुकानों में कोई दिक्कत आ रही है उस प्रकार की व्यवस्था है, या भ्रष्टाधिकारी किसी दुकानदार को तंग करता है त्यौहार में, त्यौहार मिठाई की दुकान में जाकर मैंने माल दे दे लाला जी, या और नजायज तंग करे उसके चूड़ी चढ़ाने के लिए ये संगठन काम करेगा। और जहाँ तक की कोई टैक्स की समस्या है उस समस्या को सरकार तक पहुँचाने का काम करेगा, अपराधी अपराध करे उसके लिए मोर्चा खोलने का काम करेगा, और भाईचारा के साथ मिलकर छत्ती बरादरी एकजुट होकर काम करेंगे। ये उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है भाईचारा कायम करना, एकजुट होकर रहना और मिलजुल कर काम करना, मुख्य उद्देश्य ये है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।